यार सिटी के अंदर परसों यहाँ पहुंच जाएंगे। बड़ा भगवान की बड़ी कृपा है। 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा पैदल यात्रा हुई है। तो कोई साधारण बात नहीं, 3 लाख किलोमीटर। मैं तो चला नहीं 3 लाख, लेकिन मैं 10-12-13 साल से उस यात्रा में पैदल पैदल। जैसे गुरु रामचंद्र का 14 साल का वनवास हुआ, हम कोई वनवासी जैसा जीवन भगवान के साथ चल रहे हैं। भगवान की कृपा दया से तो भगवान आपको दर्शन होगा, भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान के साथ थोड़ा चल सकते हैं। हम किसी का किसके किसके साथ चलते हैं, लेकिन ठाकुर जी के साथ कोई चलता है साथ में, जगन्नाथ हमारे ऊपर एक पलक है। जगन्नाथ जी के आंखों के ऊपर पलक नहीं है, वो 24 24 घंटे भगवान हमारे ऊपर देखते रहते हैं। ऐसा वही भगवान है। हाँ, वो गोबर निकाय भगवान पतित पावन। हाँ, अभी आप उज्जैन में थे और उधर भी गोबर निकाय है, बहुत सुंदर गोबर निकाय। वो लोग बोलते पतित पावन गोबर निकाय, लेकिन वो जो गोबर निकाय हमारे हमारे पद यात्रा में गौर मिलते हैं पतित पावन। अभी आप जगन्नाथपुरी गए तो एक बार जाइए, सभी लोग प्रभु जी आपको लेके जाएंगे। जगन्नाथ जी अंदर जगन्नाथ जी है, लेकिन पतित पावन जगन्नाथ का है बाहर है। हाँ, जो भी कोई अंदर नहीं जाता, और उधर खाली हिंदू के लिए वहाँ प्रवेश है। कोई हमारे भक्त है हिंदू, खाली नाम से नहीं होगा, उनको कार्य ऐसा होगा। कोई बोलता है हिंदू है और मुसलमान के दुकान में जाकर मांस खरीदा तो वो कैसा हिंदू हो सकता है। लेकिन हमारे ईश्वर के भक्त मांस नहीं प्याज लहसुन भी नहीं खाते, लेकिन उनको बोलते तुम्हारा जन्म नहीं हुआ हिंदू परिवार में, इसलिए तुमको अंदर नहीं जाने देते। लेकिन उनके लिए पतित पावन भगवान उधर दरवाजे के ऊपर ही बैठे रहते हैं, उनका दर्शन बंद नहीं होता। ऐसा वो गौर निकाय ऐसे है, वो पतित पावन है, सभी को दर्शन देते हैं। हाँ, कैसे कैसे लोग मिलते हैं हमको, लेकिन भगवान को देखते हैं। अब मेरे पे हम ये यात्रा 1984 से चल रही है, भारत की 6 बार परिक्रमा हुई है, 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा यात्रा हुई है, और 4-5 मैनेजर हो गए। पहले प्रभु जी लोकनाथ स्वामी महाराज ने चालू किया, फिर जय विजय प्रभु करके आगे निकाले। तो अभी तो सब सुविधा है, लाइट है, रोड अच्छे है। हाँ, वो अभी 40 साल हो गया है, 39 ईयर्स हुआ अभी राधाष्टमी के टाइम पे, 39 ईयर्स की यात्रा चल रही है। उसमें जो मैनेजर होते थे वो एडवांस पढ़े के मोटरसाइकिल नहीं होते थे, मोबाइल भी नहीं होता था। हाँ, कई गाँव में ऐसे ही जाते थे, कई मंदिर मिले का ये वहाँ पे ठीक है व्यवस्था, ये गाँव में नहीं भाग जाता चल रहा है। 20-25 किलोमीटर चलते थे रोज डेली। और ऐसा नहीं, एक पग आगे रख के भगवान का नाम कीर्तन करते करते ही एक एक पग आगे रखते हैं, ऐसा है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, उधर तुकाराम महाराज जी करके बड़े भगवान के भक्त हो गए। 100 देह भगवान के धाम में वैकुंठ में गरुड़ जा गए। होली पूर्णिमा के दूसरे दिन, हमारे गौर चैतन्य महाप्रभु के जन्म के दूसरे दिन, वो 100 देह भगवान के धाम में चले गए। गरुड़ जाए गरुड़ के पीठ के ऊपर बैठ के वो भगवान के धाम में चले गए, और वो भी कैसे यात्रा करते थे। अब पूरा देहूर से पंडरपुर पैदल पैदल जाते थे, और उनकी वाणी जैसे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, श्री प्रभुपाद जी के वचन मतलब भगवान के वचन है। और हम शास्त्र पढ़ते हैं तो वचन वो शुद्ध प्रामाणिक होते हैं, उसमें कोई भेद नहीं होता। तो तुकाराम महाराज बोलते कोई भगवान का नाम जप करते करते एक एक पग भी चलता है तो उसको एक एक अश्वमेध एक ही करने का फल प्राप्त होता है। तो कलयुग में इतना बड़ा सरल खड़ा दिया भगवान ने, तो हमारे भक्त भी ऐसा भगवान का नाम का संकीर्तन करने एक बार भगवान का नाम नहीं उच्चारण किया और तब तो आगे डाल दिया, ऐसा नहीं हुआ ऐसा। तो ऐसी यात्रा, और उसमें बहुत सारे मैनेजर हो गए, मेरे पहले रूप को सत्य हो करके थे, उन्होंने भी 4-5 साल पद यात्रा संभाल लिया। हाँ, हमारा घर मंदिर संभालना बहुत मुश्किल है, अलग अलग भक्त अलग अलग परिवार से आते हैं, खाना पीना और सब कुछ देखना पड़ता है। अपने घर में 4 लोग होते हैं उनको रखना कितना मुश्किल होता है, लेकिन पदयात्रा में रोज चलना, रोज अलग अलग जगह चेंज करना, पानी
अलग अलग भक्त अलग अलग नेचर, तो भक्त लोग एडजस्ट करते, लेकिन बाहरी लोग कैसे मिलते हैं, लेकिन फिर भी भक्त लोग चलते। तो उन्होंने कहा महाराज जी को, महाराज अभी पद यात्रा बंद कर देते हैं क्योंकि लोगों को टाइम नहीं भगवान की तरफ देखने के लिए। अरे देखते इधर मंदिर के सामने से हजार लोग निकलते होंगे, लेकिन दो मिनट गाड़ी रुका के मंदिर आने के लिए उनको टाइम नहीं होता। हाँ मंदिर में आके कोई माता भी देखता है वो उसका कल्याण हो जाता है, भगवान बहुत प्रसन्न होते। ऐसा नहीं कि हम भगवान को देखने के लिए जाते, ऐसा नहीं, भगवान भी चाहते भाई मेरे भक्तों का दर्शन करूँगा, ऐसा मतलब हम भगवान को देखते हैं, भगवान भी हमारे ऊपर देखते हैं, ऐसा रिलेशन होता है। लेकिन वो लोग मंदिर भी नहीं जाते हैं इसलिए भगवान दूर ही पर जाते हैं। उन्होंने कहा कि अभी इतनी गाड़ी फास्ट से चला के गाड़ी रुकाने के लिए टाइम नहीं उनको, लेकिन उन्होंने कहा कोई रुकता है वो भगवान की तरफ नहीं देखता, लेकिन भगवान के बड़े बड़े आँख है, उनकी कृपा दृष्टि क्या होती है उनके ऊपर गिर जाएगी, उनका भी कल्याण होगा। अज्ञात सुकृति ऐसी बढ़ेगी, इसलिए वो ज्यादा बंद ही होने वाले थे, लेकिन फिर हमको गुस्सा मिला और ऐसी पदयात्रा बहुत सारी पदयात्रा निकाली। अभी इंडिया में कम से कम 10 अलग अलग स्टेट में चलती है। अनुजक्षपुर को बता रहे महाराज जी आप इधर MP में पदयात्रा निकाल दीजिए, हाँ जो कोई जाते नहीं मंदिर, हाँ घर ऐसा मंदिर जाते नहीं है लेकिन भगवान उनके पास जाते हैं। ऐसा बीमार होता है तो डॉक्टर को बुला लेते हैं, ज्यादा बीमार होते तो डॉक्टर को घर पर बुला लेता है, भाई बहुत हाँ ये पेशेंट बहुत सीरियस है, ऐसे भगवान है। लोग मंदिर में जाते तो भगवान गौरव है, सभी की दुआ की जाते हैं। फिर हम किया संकीर्तन कर रहे थे, दुकान के सामने रुका रहे थे, हम प्रसाद ले रहे थे, हरि नाम करा रहे थे। एक दिन प्रभु जी आए थे हमारे यहाँ पर कृष्ण गोविंद, उधर छोटा सा गाँव था, लेकिन गांव के लोग इतने आदमी कहाँ से आ गए पता नहीं। अच्छा पूरा गांव का गांव और बड़े बड़े नंदी है, आपने कभी देखे नहीं होंगे और उससे भी बड़े बड़े बैल देखे होंगे, लेकिन ये भगवान के पार्षद है। जैसे महादेव जी का वाहन है ना नंदी, वैसे भगवान गोविंद का एक वाहन है वो नंदी, वो रोज खींचते रहते हैं, फिर उनको देखते हैं। अभी कल हम एक जगह पे रुके, एक लड़का बोल रहा था महाराज जी मेरे साथ बात कर सकते कपड़ों का पूछो, आप जाओ और आपका जो प्रश्न उनको पूछो, मेरा तो पास में देखते हैं कुछ बहुत बातें नहीं कर रहे, उनको पता ही नहीं चल रहा है कपड़ों जी है इसमें विग्रह है, मतलब ऐसा बड़ा सुअवसर पति जीवों को देने के लिए इसी पद यात्रा का आयोजन हो रहा है। हाँ प्रतिदिन की बात मेरा लगता है गुरुवार के लिए मंगलवार बुधवार को इधर आएंगे, एक दो दिन रहेंगे एरिया में, फिर यात्रा आगे जाएगी, फिर 10 साल के बाद आती है। और फिर भी MP मध्य प्रदेश बीच में परिक्रमा कर रहे हैं तो क्या होता है पूरा इंडिया की परिक्रमा कर रहे हैं, द्वारका से प्रारंभ करते हैं हम लोग, फिर राजस्थान आते हैं पुष्कर, बहुत सारे हम भागवतम पढ़ते हैं, बिंदु सरोवर या नारायण सरोवर ऐसा तो हम पढ़ते हैं, लेकिन हम जहाँ जहाँ भगवान की लीला हुई है सभी जगह भी जाते हैं। महाप्रभु 500 साल पूर्व दक्षिण भारत यात्रा के लिए निकले थे, जहाँ जहाँ स्थान में चैतन्य महाप्रभु गए वो स्थान एक भी स्थान नहीं छोड़ा, वो स्थान में हम गए कीर्तन किया। बहुत अभी तो रामनवमी आ गई है, हम वो रामायण पढ़ रहे थे, हनुमान आएंगे और आपको दर्शन दे देंगे, तो उन्हें ऐसी भक्ति की भगवान को जानना पड़ा। हम भी ऐसी भक्ति करते हैं दृढ़ता से तो निश्चित रूप से भगवान को दर्शन दे, और विग्रह तो साक्षात भगवान ही है, उनका दर्शन होता है। फिर वो स्वयं भगवान प्रभु शबरी के झूठे बेर खाए वो जगह पे, हम सभी जगह पे जाते हैं और ऐसा नहीं यानी कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन कहाँ से हम श्रद्धा से सुनते श्रवण कीर्तन करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध पवित्र हो जाता है। तो बड़ी विशेष बात है
और इधर उनका मंदिर है यादव समाज का, और यादव वो बोला था भगवान के लोग परिवार से है, अच्छा घर भी होना चाहिए ऐसा। मैं कृष्ण का हूँ, हमें राम के परिवार, कई लोग हमको मिलते हैं वो ऋषि होते हैं, बस हम गुरु रामचंद्र के परिवार से, लेकिन रामायण कभी पढ़ते नहीं। हाँ और बोलते हैं अरे यदु ऋषि गीता तक पढ़ा गया, एक श्लोक याद नहीं है और कभी पढ़े नहीं, लेकिन बोल ठीक है उनको आज्ञा सुकृति बढ़ जाती है, थोड़ा भी बोलेगा अरे मैं कृष्ण से जुड़ा हुआ हूँ, कृष्ण का वंश हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, ऐसे भी बोलते हैं भगवान उनको पर दया कृपा करते हैं। तो गोरे का प्रतिष्ठा हुआ वो आ रहे हैं, उसके पहले हमको आज बुला लिया, रोज नगर संकीर्तन करते कलयुग का धर्म वही तो मन में क्या गड़बड़ तो, लेकिन हम वो भक्त लोग इधर प्रभु जी अच्छा सुंदर कीर्तन कर रहे थे। हाँ कलयुग का धर्म है भगवान का नाम का संकीर्तन, हाँ बड़ी बड़ी यज्ञ करते हैं लेकिन उसमें त्रुटियाँ रह जाती है। अभी कुछ दिन पहले एक जगह पे बड़ा यज्ञ का आयोजन किया और स्वाहा 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 दिन भर रात भर चालू था, लेकिन किसी को भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। हाँ फिर यज्ञ होने के बाद फिर स्तंभा होने के बाद फिर कैसा होगा उनका यज्ञ सक्सेस नहीं होगा। तो नीति नियम का पालन करते हुए फिर क्या होगा, हमारी भक्ति है वो अंदर बढ़ जाती है। तो कुछ दिन पहले और हम बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है हमको, हाँ आधा जीवन ऐसा ही निकल जाता है, हाँ जवानी में और क्या खाना पीना सोना, आधा जीवन तो सोने में जाता है, हाँ फिर संसार है, लेकिन जितना भी टाइम मिलता है हमको एक एक क्षण भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान का चिंतन भगवान के भक्ति में लगा देंगे तो हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाता है। तो कुछ दिन पहले गुरु रामचंद्र हनुमान जयंती हो गई, हाँ हनुमान जी एक वानर परिवार से थे, हाँ हम तो मनुष्य हैं लेकिन वो कोई साधारण नहीं थे, उनके पुत्र पिताजी का नाम क्या था, केसरी नंदन भी है और कौन पुत्र बोलते हैं वायुदेव, वायुदेव के पुत्र थे और ये कोई साधारण नहीं थे, भगवान जब प्रकट होते तो भगवान के पार्षद देवी देवता जो अंगद था और वाली था, ओ वाली तो इंद्र का पुत्र था, अंगद वो तो सूर्य देव के पुत्र थे, जामवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, ऐसे बड़े बड़े हाँ भगवान की सेवा के लिए उन्होंने क्या किया था, अवतार धारण किया था और फिर हाँ हनुमान जी ने जिस जैसी सेवा किया, हाँ भागवतम पढ़ते हैं हम भी सेवा करते हैं, हम इच्छा रखते हैं लेकिन हनुमान जी ने कोई इच्छा नहीं रखा, दास भाव में भगवान की सेवा किया, हम थोड़ी सेवा करते तो भगवान कहता है आपको ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, लेकिन कोई भौतिक इच्छा नहीं रखना चाहिए, लेकिन हनुमान जी भगवान के परम पवित्र भक्त थे। हाँ और कभी कभी वो दुष्ट था रावण, उन्होंने सीता माता का अपहरण करके देख लिए, पंचवटी करके है नासिक के पास में, हाँ वो सिटी का नाम नासिक के ऊपर आप करेंगे, वो शूर्पणखा का थी रावण की भेद, उन्होंने क्या किया था उनका नाक काट दिया था, अगर रामचंद्र को बोल रहे थे अरे हाँ तुम मेरे से विवाह करो, ओ प्रभु रामचंद्र बोलते मैं ये मेरी पत्नी है ये लक्ष्मण नाते नहीं उनके साथ आप विवाह करो, लक्ष्मण अरे तुम मेरे साथ विवाह करोगे तो तुमको दासी होना पड़ेगा, वो राम ही ठीक है, फिर राम जी बोले अरे तुम ये राक्षसी है इसको ऐसा छोड़ो मत, तो उन्होंने क्या किया उसका नाक काट दिया, नाक काट देने से उसका क्या नाम हो गया, उस सिटी का नाम नासिक हो गया ऐसा। और पंचवटी है बड़े बड़े पांच वृक्ष अभी भी आपको दिखाई दे देंगे, उन्होंने प्रभु रामचंद्र और सीता जी को देखा था और वहाँ कलयुग के जीव है लेकिन सीता जी से पवित्र नारी, हाँ सीता कोई संग्रह नहीं है, प्रभु रामचंद्र के चिंतन में उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया ऐसा, हमेशा प्रभु रामचंद्र का चिंतन, कभी भी उन्होंने प्रभु रामचंद्र के सिवा और किसी भी नहीं देखा था, और लक्ष्मण भी थे, हाँ सीता माता का चरण का ही उन्होंने दर्शन किया था, ऊपर उनको बताया ही था जब सीता जी का अपहरण किया था उन्होंने, लेकिन बहुत सारे गहने गिरे थे लेकिन प्रभु लक्ष्मण को खाली उनके पैर के अंदर जो नपुर थे
वही उनको पहचान पाए, दूसरे जो अलंकार थे उन्होंने कभी देखा भी नहीं था ऐसे लक्ष्मण भी थे, लेकिन वो दुष्ट था रावण। हाँ वो आप सीता जी का अपहरण करके देखे जाते हैं, लेकिन तो रामचंद्र सभी को और पहले उससे पहले भी वो मारिश करके था। हाँ वो और उनका भाई सुहाव मधुरा आए थे प्रभु रामचंद्र के साथ युद्ध करने के लिए, लेकिन सुबह को मार दिया प्रभु रामचंद्र का बाण, मारिश को मार दिया तो 80 मील और जाके समुद्र के अंदर गिर गए। और फिर शिव प्रथम ने जाके बता रहे थे कि तुम जाओ सीता जी का अपहरण करो, लेकिन वो मारिश को वो हिरण बनाना चाहता था, लेकिन मारिश उनकी चेतना कैसी थी, पहले राक्षसी चेतना थी, फिर भगवान का चिंतन नहीं कर रहा था, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी का बाण उनको लगा था और मरा नहीं था। और इतना दूर जाके समुद्र के अंदर गिर गया, फिर रावण आया था उनको बोलने के लिए तुम क्या करो, तुमको हिरण बनना है और मैं क्या करूंगा, तुम राम को प्रभावित करना और मैं इधर सीता का अपहरण करूंगा। राम का नाम सुनता है तो वे तो मसा खाप उठता है, शरीर एकदम कंप हो जाता है, मुझे नहीं नहीं कि राम के साथ तुम युद्ध या उनके साथ अंगा लोगे तो मर जाओगे, उनकी बाणों की शक्ति वो जब क्रोधित होती है ना ब्रह्मांड हिल जाता है। हाँ तुम दूसरे लोगों के साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन राम के साथ कभी भी ईर्ष्या द्वेष मत करो। लेकिन वो बोलते कभी कभी र नाम से कोई रत्न ऐसा शब्द तैयार होता तो मुझे लगता है राम ही है ऐसा, मतलब कौन से था और बेटा का प्रोजेक्ट था कहते हैं वो कृष्ण है हमेशा, वो मतलब वो चेतन मतलब अनुकूल भावने भावना से नहीं करता, प्रतिकूल भावने भावना से भगवान का चिंतन करता था। फिर उन्होंने बताया ये मत छोड़ दो ये सीता पर की बात, आप अच्छा सा जीना चाहते हो तो लंका में जाके अपना सोने की घंटा है उधर राज वो करो कुछ करना करो, लेकिन प्रभु रामचंद्र के साथ कभी भी ऐसा व्यवहार मत करो। लेकिन वो शुरू का थी वो उन्होंने प्रभु और रावण के कान भरे और आ गया और साधु के वेश में आ गया, और तो आपको तो बड़ा पता है कि प्रभु रामचंद्र रावण देख गया उनको, लेकिन प्रभु रामचंद्र हनुमान जी ने इतनी सेवा किया। और इस अभी भी हम इधर आ गए हनुमान जी का मंदिर देखने बहुत अच्छा लगा। और हम जब करते हैं ना हरे कृष्ण महामंत्र, ये हनुमान जी हम करते हैं इसकी देवी देवता है, हाँ ये देवी देवता को भी हमको आदर देना चाहिए। हाँ ये गणेश जी कोई साधारण नहीं है, भगवती तो किसने जी की बनाई है, गणेश जी व्यास गुफा में व्यास जी बनाई और गणेश जी ने देखा है। और वो विघ्नहर्ता क्यों है, वो नरसिंह भगवान के चरण उन्होंने अपने माथे वो महादेव जी भी हमेशा राम नाम जपते हैं, और हनुमान जी तो कुछ ही है प्रभु रामचंद्र जी उनके हृदय में थे। हाँ छाती मार दिया तो सीताराम को चिन्ह दिखाई दिया, और हमारे महाराज बोलते मुंबई में बोर्ड दिखाई दिया उनको ऐसा छाती फाड़ा था, उसके अंदर क्या था कोका कोला की बोतल था, हृदय में कोका कोला है ऐसा, लेकिन वो हनुमान जी के हृदय में सीताराम जी थे ऐसा। तो उन्होंने इतनी बढ़िया सेवा किया प्रभु रामचंद्र जी की। और हाँ बता दें जब करते हाँ तो ये हम तो रोज ज्यादा तो इधर मध्य प्रदेश है तो हमारा यही है। हाँ एकाकी अमर नहीं पाई बल हरि नाम संकीर्तन है, हम अकेले अकेले भक्ति करते हैं तो उसमें रुचि नहीं आती। आप लोग सत्संग में आते हैं एक हफ्ते में हर संडे आते हैं, इधर भगवान भक्त आते हैं उनकी उपकार से सुनते हैं तो फिर हमारा एक बैटरी चार्जिंग हो जाती है, फिर हम एक हफ्ता डाउन हो जाते फिर चार्जिंग करते तो फिर हमारा और उत्साह बढ़ जाता है। इसलिए रोज हम कुछ ग्रंथ पढ़ते हैं तो ये ग्रंथ ग्रंथ नहीं है साक्षात भगवान ही ऐसा, क्योंकि हमको भगवान को देखना है तो आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये हम उनके बारे में पढ़ते हैं उनके बारे में सुनते हैं तो हमारा जो लगा हुए भक्ति में हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है। और हमारे गुरु जी है अशरफ लोग का भी प्रार्थना करना चाहिए और वैष्णव को प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान
मैं तो शक्ति है, शक्तिहीन है, बुद्धि नहीं है, भगवान मुझे बुद्धि का ज्ञान दे दीजिए, ऐसा हम बहुत बड़ा भक्त है ऐसा हम मन में सोचते तो भगवान मुझे थोड़ा दूर हो गए। फिर ये नहीं भक्तों का भक्त है मुझे, फिर भगवान को जाया मुझे फिर भगवान हमको आलिंगन कराते हैं ऐसे। लेकिन हम थोड़े भक्ति करते तो हम बताए मेरे जैसे कोई बड़ा भक्त है नहीं ऐसा। लेकिन जो बड़े बड़े भक्त होते हैं हरिदास ठाकुर है और वही पर तुकार महाराज है, इसके बारे में बताया तुकार महाराज थे भगवान के बड़े भक्त थे और वो शिवाजी महाराज उनको मिलने के लिए आए थे और वो शिवाजी महाराज बड़े राजा थे और वो पूछ रहे थे शिवाजी तुकार महाराज कौन है। लेकिन वो इतना उनका भजन करते थे ये जड़ चीज है ना वो भी क्षेत्र बन जाते थे। उनकी पत्नी थी और पतिव्रता सीता माता जैसे प्रभु रामचंद्र खाने के बिगर ही खाएंगे, वनवास में वनवास प्रभु रामचंद्र हुआ था लेकिन सीता ने स्वीकार किया नहीं मेरे पति के साथ में ही रहूंगी, मुझे कितना भी तकलीफ होगा तो मैं रहूंगी उनके साथ ही रहूंगी, मुझे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा पहले प्रभु रामचंद्र खिलाऊंगी बाद में नहीं खाऊंगी ऐसा हुआ। तो वैसी होती हुई पत्नी तुकाराम महाराज जी और तुकाराम महाराज भजन करने के लिए जाते थे और उनको उनकी वाचा इतना मतलब भगवान के नाम के बगैर नहीं रह जाए, कभी कभी वो बाथरूम के अंदर भी जाकर भगवान का नाम देखते थे। आए एक बड़ा ब्राह्मण का पंडित जी वो बोलते हैं तुम इधर ऐसी गंदी जगह पे तुम भगवान का नाम ले रहे हो, तो बोलते मेरा ये जीवन नहीं रुकती है मैं कितना प्रयास करता हूँ तो वो नाम अंदर से आता है, उन्होंने जोर से उस जीप बाहर ऐसा खींच लिया लेकिन हृदय से भगवान का नाम आने लगा ऐसा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। और वो भी पत्नी जाती थी उनको रोटी वगैरह लेके और कहाँ कहाँ जाती थी पता ही नहीं होता था, लेकिन गांव के बाहर वो देहू गांव है और तीन रस्ते होते थे एक पहाड़े भंडारा रामचंद्र भावना तीन पहाड़े उधर जाते थे लेकिन उनको समझ में नहीं आता था। एक फिर लास्ट में पैदल पैदल जाना गाड़ी घोड़ा नहीं था ऐसे ही जाते थे, फिर तुकाराम महाराज मिलते थे उनको कहीं खिला देते थे और बाद में वो खाते थे। उन्होंने कहा कम से कम बता के तो जाओ कौन से रास्ते से जाते हैं, लेकिन वही जब भगवान का नाम लेता तो हमको समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा कि वो गाँव के बाहर जाते तीन रास्ते है उसमें कान लगा देना, जिस रास्ते से भगवान का नाम आएगा ना वो रास्ते में आपका लगाना में गुजरे रह जाता है वैसे होता है। वो मैंने कहा ना ये जड़ चीज भी वो क्षेत्र बन जाती थी वो रास्ते में से भगवान का नाम आ जाता था। और तुकाराम महाराज जी के पहले उनकी पत्नी को वो तो पत्नी तुकाराम भगवान को गाली देती थी एक वजह से हमारा संसार ऐसा हो गया ऐसा बहुत सारा, तो भगवान का नाम कृष्ण मतलब वो काल काला हुआ था ऐसा बोल देते बहुत गाली देती थी। लेकिन भगवान ने पहले उनको दर्शन दे दिया, उनको काटा छुप गया था भगवान के छोटे बालक के रूप में तो काटा निकाल दे दिया और फिर वो टाइम पे उनको इतना अच्छा लगा फिर तुकाराम महाराज बड़ी तो पहले तुकाराम महाराज को मिले और उन्होंने कहा कि वो तुकाराम कौन है, तो शिवाजी महाराज को उन्होंने खुद को पहचान बता दिया अरे वो तो मूर्ख है कोई भजन भजन करता रहता है संसार नहीं करता बच्चे ऐसे ही रहते हैं काम धंधा नहीं करता उनके बारे में मत सोचो तुम जाओ अच्छा सा अपना घर अपना राज्य करो। तो वो बनाएंगे तुकार महाराज की चरण में अपराध का ऐसा शिवाजी महाराज ने बोला। फिर आगे जाके पूछा तो कौन तुकार दूसरे आदमी का ये तुकार महाराज ले करके फिर घोड़े से उतर के उन्होंने प्रणाम किया ऐसा मतलब खुद की पहचान है तो बड़ा संत हो गया ऐसा नहीं दूसरे को मान देता है कोई उनको अंदर कोई दूजा भाव नहीं देता या अपना पराया सभी को समान दृष्टि से देखता है वो भगवान का नाम का कीर्तन करता है। तो वैसे हनुमान जी है या श्री प्रभुपाद जी भी कितने बड़े भक्त हैं इस धरातल में प्रकट हो गए और वही परंपरा से हम लोग जुड़े हैं
हाँ यदि ईश्वर प्रभुपाद जी नहीं होते तो हमको पता ही नहीं चलता। हाँ भक्ति क्या है, भगवान का नाम क्या है, कैसा रिस्पेक्ट देना चाहिए, कैसी सेवा करना चाहिए, कौन भगवान है। 7 दिन भागवत सप्ताह होता है, भगवान कौन है इसे पता ही नहीं होता। ऐसे ही होता है बहुत बार। हाँ बहुत जगह पे जाते हैं, बड़ा बड़ा सत्संग होता है, लेकिन भगवान कौन है। हाँ ईश्वर है, परमात्मा है, आप ही भगवान है, मैं ही भगवान हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी उनके शिष्य थे श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता, वो साउथ इंडिया में गए और उधर बहुत सारे मायावादी थे, वो प्रभु भगवान सुंदर से थे। उन्होंने कहा कि वो छोटी सी लड़की थी सरस्वती, उनको पूछा हे सरस्वती सरस्वती भगवान कौन है। उन्होंने कहा कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है। और तुरंत उनको पता चला, हम अभी भक्ति में आते तो हमको पता चलता है भगवान कौन है। हमारे छोटे बच्चे को कृष्ण भगवान है, जगन्नाथ भगवान है, राम भगवान है, दूसरे जाए तो 33 करोड़ देवी देवता भगवान है। जब किसी की भक्ति करेंगे सब खिचड़ी होगी तो फिर क्या खाएंगे। तो हम ईश्वर प्रभुपाद जी की बड़ी देन है, हजारों लाखों लोग इसमें जुड़ रहे हैं, अपना जीवन भी दे रहे हैं और कई बहुत सारे गृहस्थ भक्त है अपने घर में रह के अपना अच्छा अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये संसार ये भौतिक जगत और इसमें कलयुग है, भौतिक भोग में इतने लोग रत रहते हैं, उनको समझ भी नहीं आता हम किस रास्ते से जा रहे हैं। लेकिन हम भक्ति मार्ग में सत्संग में आते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, हमारा जीवन का लक्ष्य पता चलता है। नहीं हम वो नहीं, सब कुछ है, हम एक कुछ है, एक साधारण है, और एक कितनी कितना दिन का जीना है पता नहीं, एक क्षण भंगुर जीवन है। कमल दल जल जीवन तलमल जो हरी पर रहती है, जब कमल के दल के ऊपर पानी का बूंद गिर जाता है तो तुरंत नीचे गिर जाता है, उसमें रहता नहीं, वैसा ही जीवन है। कुछ दिन पहले इतना बीमार हो गया, ऐसा लगा कि हो गया अभी अपना काम ऐसा, और कुछ खा रहे तो कुछ खाने भी नहीं हो रहा था, 4-5 दिन पूरा होगा। लेकिन भगवान की कृपा आपकी सेवाएं करना है तो सेवा में रखना है, तो जिंदा रहता है तुम्हारे मेरे भगवान की कृपा से फिर ठीक हो गए। सर कब मृत्यु आए वो कोई पता ही नहीं चलता, और हम इस यात्रा में चलते हैं, कितना ऐसा संकट आ गया तो लोग मारने के लिए आए थे, उधर निकल कर आए वो झारखंड में और बांग्लादेश के किया और हर जगह पे एक पुष्कर करके है वहाँ पे अजमेर के पास में, वहाँ तो काल भर में जैसे साधु संतों को मार रहे थे वैसे ऐसे हमारे पर वो हुई थी मारने के वाले थे। लेकिन भगवान भगवान की भक्ति करते तो फिर भगवान भक्तों की रक्षा नहीं करेंगे तो किसी की रक्षा करेंगे। तो फिर भक्तों की रक्षा किया, बैलों की रक्षा किया, सभी की रक्षा भगवान भगवान बोलते बस मेरा कोई भक्त होता है मैं हमेशा उनके लिए क्या करता हूँ, हमेशा आगे पीछे रहता हूँ, भगवान उनकी रक्षा करा देते हैं। तो हम भक्ति करना तो भगवान का नाम जप करना है, भगवान की सेवा करना है, और जो भी हमको हम तो बड़ी बड़ी सेवा नहीं कर सकते। हनुमान जी ने तो बड़ी बड़ी सेवा किया, बड़े बड़े पहाड़ डाल दिए, लेकिन गिरी थी ना छोटी सी, वो क्या करती थी छोटा वो समुद्र के अंदर जाती थी और छोटे थोड़ा सा रेत है दोनों पत्थर के बीच में डाल देती थी। हनुमान जी चिल्लाए अरे पैर के नीचे आके मर जाओगी, हट जाओ, हम बड़े बड़े पहाड़ डाल देंगे, बड़े बड़े पेड़ डाल दिए हैं। तो हनुमान गए राम जी के पास में और उन्होंने कहा कि मुझे मना करे हनुमान जी सेवा के लिए, तो हनुमान जी को बुलाए जाओ, हाँ तुम बड़े बड़े पहाड़ डाल रहे हो, बड़े बड़े पत्थर डाल रहे हो, लेकिन तुम्हारी शक्ति के अनुसार कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये गिरने की शक्ति बहुत छोटी है, लेकिन वो भी प्रयास कर रही है, और आपका जो भाव है सेवा हो दोनों का समान है। आप ज्यादा सेवा कर रहे हैं वो कम सेवा करें, लेकिन दोनों की सेवा में बराबर ही है, तो ऐसा हम करना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर शक्ति है, गिलहरी जैसा नहीं रहना चाहिए। भगवान की सेवा के लिए हम जितना हो शरीर है मन तन मन धन से भगवान की सेवा करते भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और हनुमान जी बहुत बुद्धिमान थे, उनका जीवन चरित्र, और वो लंका को उन्होंने जला दिया और जला निकले तो कितने सारे राक्षसों को मार दे, बड़े बड़े राक्षसों को मार दे, जो
जो राक्षस रावण था वो सभी जीवी जो था वो ऐसे सीढ़ी पे भी स्वर्ग में जाना चाहता था, ऊपर सब इंद्र चंद्र सब लोग उनको डरते थे, वायु देव भी मतलब लंका में जाने के लिए वो उनको डर लगता था। लेकिन उसी बीच में हनुमान जी गए और सभी को परास्त कर दिया। और आखिर रूप का पुत्र था इंद्रजीत, बहुत लोगों को मार दिया और इंद्रजीत को ब्रह्मदेव ने दिया था शस्त्र ब्रह्मास्त्र, वो उनके ऊपर छोड़ दिए हनुमान जी के ऊपर। तो हनुमान जी क्या हो गए वो मतलब कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन हनुमान जी को भी शक्ति दिया था, जब हनुमान जी प्रकट हो गए जो अंजनी माता ने जन्म दिया गए थे एकदम सूर्य को देखने पकड़ने के लिए खाने के लिए गए, लेकिन सूर्यदेव के ताप से गिर गिर गए, फिर दोबारा गए इंद्र के वज्र से उनको प्रहार किया, जाके उनका ये मनु जाके पहाड़ी के ऊपर टकरा गया, इसलिए हनु थोड़ा टेढ़ा हो गए, इसलिए उनका नाम हनुमान हो गया ऐसा। और फिर उनको उसी टाइम की ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया था, उन्होंने मेरा ब्रह्मास्त्र क्षीण हो जाएगा हनुमान जी, आपको कोई भी आपके साथ कोई युद्ध करेगा आप कोई परास्त नहीं कर सकता। और उन्होंने फिर वो कंट्रोल में आ गया, रावण के सामने गए और रावण ने कहा कि बंदर को बहुत पूछ बहुत अच्छी लगती है, उसको पूछ पर के क्या कर लो, उसको आग लगा दो, आग लगा दे। तो फिर हनुमान जी ने फिर सभी लंका को जला दिया। लंका को जलाने के बाद फिर हनुमान जी को चिंता गया, सीता माता भी जल जाएगी तो क्या होगा। लंका जल रही थी, राक्षस जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बहुत आक्रोश कर रहे थे। और फिर प्रभु हनुमान जी ने पीछे मुड़ के देखा तो अरे फिर उनके मन में विचार आ गया, सीता माता जी तो ऐसी पहले से इतना उनको क्षीण हो गई थी, कुछ खाया भी नहीं था, ग्यारह बहुत एक दो साल तो थी सीता माता, कुछ खाया पिए नहीं थी, कपड़ा भी ठीक से नहीं पहनते थे, हमेशा प्रोग्राम शुद्ध का चिंतन, और रावण भी आता था धमका देता था, मेरी रानी बन जाओ तो मैं तुमको टुकड़े टुकड़े कराके मैं खाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो प्रभु रामचंद्र के बगैर और किसी को नहीं देखना चाहती हूँ, वही मेरे प्राण है, आप मुझे स्पर्श नहीं कर सकते, आपके जैसे गिद्ध है स्पर्श नहीं कर सकते, ऐसा बहुत सारा रावण को भी धमका दिया। लेकिन हनुमान जी ने जब लंका जला दिया तो उनको लगा कि सीता जी उसने जल जाएगी तो क्या होगा, रामचंद्र जी को पता चलेगा कि सीता जी जल गई तो प्रभु रामचंद्र भी अपना धैर्य त्याग देंगे, लक्ष्मण भी धैर्य त्याग देंगे, उनका जो सेना नायक था अंगद वो भी क्या करेगा शरीर छोड़ देगा, फिर भरत शत्रुघ्न उनको समझ में आएगा, उनकी जो माँ है कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा वो भी क्या करेंगे पूरा शरीर त्याग दे देंगे एक ही वजह से। उन्होंने कहा मैंने क्या गलत किया क्या कार्य, बहुत ऐसा विचार करेंगे मन में। लेकिन प्रभु राम जब लंका चला रहे थे तो भगवान सीता माता को पता चला कि वो वही राक्षसी जी ने बताया कि हनुमान जी का पूछ बांध के उसमें ऐसा तेल डाल के उसको जलाया, तो सीता माता जी ने प्रार्थना किया हे हे भगवान हे अग्निदेव मैंने जितनी भी तपस्या किया है, मैंने जितना भी प्रभु रामचंद्र की सेवा किया है ध्यान पूजा किया है, वो अग्नि है वो हनुमान जी को अग्नि का उसका ताप नहीं होना चाहिए, उनको शीतलता मिलनी चाहिए, ऐसा हो गया। तो फिर हनुमान जी सोच रहे थे मैंने इतना लंका जला दिया लेकिन वो अग्नि मुझे आग जैसा नहीं लगा, आप अभी गर्मी के टाइम में और कुकिंग करते तो इतना उधर कुकिंग करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इतना बड़ा लंका जला दिया तो हनुमान जी को तो ठंडक लग रहा था, तो सीता माता जी की कृपा थी मतलब आग भी शीतल हो गई थी और वायु के पुत्र पिता थे और वायु थे वो भी एकदम ठंडक कर रहे थे। हनुमान जी की बुद्धि चलाया नहीं, अरे मैं इतना लंका जला दिया मुझे थोड़ा भी आग का थोड़ा भी स्पर्श नहीं हुआ,
सीता है और गुरु रामचंद्र की कृपा से सीता कुछ भी नहीं होगा ऐसा करके फिर अपनी जैसे मतलब सीता माता भी उनका हाँ पतिव्रता थी एकदम हाँ ऐसा पालन करना चाहिए और उसमें शक्ति होती है हम भगवान का नाम जपते हैं ना और सत्य वचनी होंगे हाँ निष्ठा से हम भगवान की भक्ति करते हैं ना हमारे अंदर इतनी शक्ति आती है हाँ ये पतिव्रत रावण को भी जलाने की ताकत सीता माता जी के अंदर थी उन्होंने सत्य का वचन पाल किया रावण पता नहीं किया कि क्या क्या उनको सीता जी को बहुत लंका सोने की ब्रह्मा जी का जो राज्य उससे भी बढ़कर राज्य लंका का था सब कुछ था लेकिन वो नीति के अनुसार रावण नहीं सकता अभी विषय ने बहुत समझा लिया था अरे तुम ये दूसरे की स्त्री है उसको स्पर्श करना या उनको परेशान करना बहुत मुश्किल है नहीं तुम जब वो लेके जा रहे थे तो उनको लगा कि तुम सीता को लेके नहीं जा रहे एक विषारी सांप को लेके जा रहे उसको छोड़ दो रावण एक मानने के लिए तैयार नहीं था हमारा मन में ऐसा ही है रावण जैसा हाँ हम बहुत प्रयास करते हैं ये नहीं करना लेकिन सुनता ही नहीं करके बैठते हैं पाप करने की इच्छा नहीं लेकिन अंदर से ऐसा होता है कि हम करके बैठते क्रोध आता है हाँ जब क्रोध आता है हम क्या क्या नहीं बोलते हैं हमारे गुरु जी है या माँ है पिता है या भाई है कोई समझ भी नहीं आता क्रोध में आते हैं तो हमारे पूरा हम रजोगुण में जाते हैं फिर हमारा पश्चाताप हो जाता है लेकिन भगवान की दिव्य कथा लीला सुनते हैं तो हमारे अंदर जो हृदय वो शुद्ध पवित्र हो जाता है फिर कोई भी हमको देखेगा तो फिर हम ये हमारा परिवार का है या हमारा है ये भगवान का है कोई नास्तिक भी होगा तो उनको देख के फिर दया आ जाती है ऐसे कृत्य करोगे थोड़ा तो भगवान की भक्ति करो उनके ऊपर दया करते हैं इसलिए ये इसको श्री रूपा जी ने भी किया है राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं रावण की प्रवृत्ति के लोग हैं वो भी अगर भगवान के नाम का शरण ले लेते हैं वो पवित्र बन जाते हैं और बोल रहे थे हनुमान जी बोल रहे थे रावण को देखो तुमने सीता का अपहरण किया है तुम जाकर प्रभु रामचंद्र के साथ मैत्री करोगे उनकी शरण में आ जाओगे वो उनकी पत्नी उनको दे देंगे तो वो शरणागत वत्सल तो आपको क्षमा करेंगे कभी भी नहीं मारेंगे तो लेकिन रावण जी ने नहीं सुना हाँ फिर उनकी दुर्दशा हो गई तो हम भगवान की शरण ग्रहण करना मतलब क्या है भगवान का नाम जप करना हाँ भगवान का नाम और भगवान उसमें कोई अंतर नहीं इसलिए लंका में जा रहे थे बड़े बड़े पहाड़ डाल रहे थे उसके ऊपर श्री राम लिखते थे इसलिए बड़े बड़े पत्थर तैर गए ऐसे तो हमारे शरीर बॉडी पत्थर जैसा ही है चेतना तो है लेकिन चेतना पूरा लुप्त हो गई है लेकिन कृष्ण चेतना जगाइए राम की चेतना हमारे अंदर आ जाएगी तो फिर ये भूसागर में ये धीर डूबेगा नहीं वो पार हो जाएगा रामचंद्र का उनको प्रेम प्राप्त होगा तो इसलिए भगवान का नाम कलयुग केवल नाम आता हरे राम हरे राम हरे राम हरो नास्ते को नास्ते को नास्ते हुए रावण से भी जगत ने पाप किया होगा वो भी भगवान का नाम जपेगा तो वो भी मुक्त हो जाएगा उनको जो दुर्बीन है कृष्ण प्रेम देवियों का भी नहीं देते भगवान लेकिन वही प्रेम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु देते वो विचार नहीं करते कौन पात्र है कौन अपात्र है कुछ देखते ही नहीं है हम जाते भाव भाव में कैसे कैसे श्री कृपा जी ने ऐसे जादू किया वो मांस खाने वाले लोग उनके भगवान को भक्त बना दे हम लोग इधर एक बार गए थे कराए नाटशाला में एक उधर बहुत लोग चोरी करते फेमस गांव है राजा करके उधर गए हमको डोनेशन दिया भरे से 500 रुपए थे मतलब ये कहाँ का मारा है ये सब होती चोरी का माल है और हमने भी उनको किताब दी है गीता कृष्ण रामायण ऐसे किताब दे दी उसमें कहीं हमारे साथ में आया कोई बोलते उनके ब्रह्मचारी होना है दूसरे प्रकार ये तो
चोर है कि क्या होगा। और वो सेविंग कैसा करता था, खाली ब्लेड लेता था और सेविंग करता था, ऐसा कैसा करता है, बोलते चाकू और एक ब्लेड चलाना हम जल्दी से सीखे हुए हैं। लेकिन भगवान की कृपा उनके ऊपर हो गई, फिर आ गए हमारे साथ में, प्रसाद खाया, जुड़ते जुड़ते गया, ओ सोलह बार व्यस्त चला, फिर पाठक से मुक्त हो गया। और अभी कुछ दिन पहले परम पूज्य जय प्रताप गोस्वामी महाराज जी से उन्होंने भी सेटिंग ली है। बहुत सारे भाई तो आपकी विश्व यात्रा के बारे में ज्यादा नहीं पता है, बहुत सारे विकास हो रही, लेकिन रामचंद्र का जीवन से लेकर पड़ा हनुमान जी जयंती हो गई, हम रामचंद्र के हमारे आराध्य कृष्ण कथा होती है, राम कथा नहीं होती तो मेरे खुद ही खुद के शुद्धिकरण के लिए हमने जब बोल दिया। तो आप लोग इस कान में इस कान, इस कान से उस कान, मतलब एक कान से सुनना और एक कान से छोड़ देना, ऐसा नहीं। और जो अच्छी चीज है मन में उसके बारे में हमको चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और भगवत भक्ति का स्वीकार करना चाहिए। कोई एक मना करता है हाँ तो वो मना करना चाहिए, लेकिन एक मना किया हम भक्त प्रभु जी आते हैं यहाँ पे, नए भक्त आते हैं चालीस बजे देते, अरे प्रभु जी आ गए, कितना मना करते, दो मना चालीस बजे देते, और फिर चार साल से कितना मना करते, दो मना देते, फिर कोई चालीस बजे करते, मतलब सालों सालों से वही चल रहा है, ऐसा नहीं हमको धीरे 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 एक माला से दो, दो से तीन, चार, फिर सोलह माला जब करते हैं और चार नियमों का पालन करके अपने घर में खोद सफाई वगैरह करके माला करते हैं, प्रभु जी लोग इधर बहुत प्रचार होना चाहिए, बाहर कितना प्रचार होता है, माया का प्रचार, ओ हमारे कंपनी के सीक्रेट भी हो आप राजा बनोगे। हाँ महाराज जी बताते हैं, और दिल्ली से जा रहे थे, ओ हमारे यू लाइक किंग साइज, हमारी कंपनी के सीक्रेट भी वो राजा बनोगे, और आगे जाके कैंसर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे, फिर उधर फिर सन्ना, हाँ स्टाइल से जीना है, स्टाइल से मरना है आईसीयू में, लेकिन स्टाइल से वो मरना नहीं, हाँ वो तो कहा जाएगा पता नहीं, लेकिन भगवान का नाम चिंतन करते करते हमारा ये ध्येय छूटेगा, बस हो गया ना, पुनरपि जरणम पुनरपि मरणम जननी जठरे क्षीणम, पुनः पुनः माँ के गर्भ में जन्म नहीं लेना पड़ेगा और फिर हम मुक्त हो जाते हैं। फिर और कथा भी ऐसा सुनना चाहिए और बोलना भी चाहिए, मतलब कितना ना हनुमान जी ने कितनी सेवा किया, ऐसा ये काल्पनिक चित नहीं है, कई लोग ये काल्पनिक है रामायण महाभारत, नहीं नहीं ये स्वयं हुआ है। और वो सीता कितना कष्ट हुआ होगा, इतना बड़ा राक्षस दस मुख वाला, वो तो असुर की प्रवृत्ति का था रावण, दस मुख, दो ही मुख होते थे लेकिन दस थे मुख, युद्ध के टाइम भयानक मुख धारण कर रहा था, लेकिन उनको बुद्धि नहीं, दस मुख होते हुए भगवान के परम भक्त थे। और ऐसी एक राम कथा होते थे अभी राजा कुलशेखर करके थे, हाँ और उनको पता चला कथा कथा सुनते सुनते वो सीता का अपहरण रावण करके लेकर गया, वो राजा थे, उन्होंने कहा कि अपने सैनिक मंत्री को आदेश दिया, फिर सब घोड़े सैनिक तैयार करो, मैं जाके अभी राम को मारता हूँ, ये रावण को मारूंगा, पूरा समुद्र के अंदर घुस गया। उधर से राम जी आ गए, उनको ऐसा साक्षात करो, नहीं 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 अभी रावण को मार दिया, आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं, रामायण दस लाख साल पूरे हुआ था, लेकिन ये कुलशेखर राजा कुछ साल पहले हुए थे, लेकिन उनका भाव ऐसा था, भाव में आते थे, भाव विष में आके वैसा रावण को मारने के लिए अपना सेना पूरा तैयार करके निकल पड़े थे, लेकिन भगवान अपने वस्तु की रक्षा करते, समुद्र में जाके डूब जाएगा, इसलिए तो रामचंद्र सामने से आके उनकी रक्षा की, ऐसा मतलब हम सुनते हैं भक्ति भाव से श्रद्धा से सुनते हैं तो हमारा हृदय सरल हो जाएगा, फिर सरल हृदय में भगवान सरल ले जाएंगे, लेकिन कृष्ण थोड़ा टेढ़े हैं, जल्दी गुस्से नहीं अंदर, और गुस्से बाहर भी निकलते भी नहीं जल्दी, एक बार गुस्से के लिए टाइम लग जाता है, लेकिन जब गुस्से तो वापस नहीं आते, हमारा हृदय चित्त चोरी करते हैं, तो अच्छा है हम हमारा चित्त किस किस को देते हैं,
लेकिन कृष्ण अगर हमारा चित्त चोरी करते हैं तो कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। तो अच्छा है, तो बहुत अच्छी भक्ति आपको बहुत अच्छा लगा, दो तीन दिन हमारे साथ में आए, लेकिन हमारा जीवन देखते हुए कैसा लाइफ है भाई। तो कभी बाथरूम के लिए बाहर जाना पड़ता है, कभी गर्मी ठंडी बरसात कैसे कैसे रहते हैं, कैसे कैसे लोग मिलते हैं। तो फिर आए दो तीन दिन हमको सुंदर दिया, कभी सोचा नहीं हमने आज उनका दर्शन होगा। उनका मैरिज दूसरे दिन था, हमको पता नहीं और उनको भी पता नहीं, लेकिन दूसरे दिन मैरिज की तैयारी चल रही है और बात बरबर जाकर उधर उधर तक हो गए। हरे कृष्ण प्रभु ये कैसे आ गए आप लोग, हमको लगा इधर क्या प्रोग्राम चल रहा है। बोलती कल मेरी शादी है और प्रभु जी महाराज बोल रहे तुम्हारी शादी भगवान आगे देखो, तुमने थोड़ी भक्ति किया और उसका फल क्या हो गया, महात्मा तुमको दर्शन आशीर्वाद देने के स्वयं रथ में बैठ के भगवान आ गए। ऐसा बहुत सारा, एक हम सेवन के पास में एक माता थी, बहुत गौर नेता की बड़ी भक्त थी, उनको सबने कहा कि कल गौर नेता आने वाले हैं, हम लोग आएंगे आपके घर से, आपके हाथ से हम भोजन करेंगे, ऐसा उनको सपना आ गया। और माता जी भक्ति भाव से बहुत सारा रसोई बना दिया और हमको पता नहीं उनका घर कहाँ है और उनको पता नहीं, और वो इधर उनका घर था, हम उधर जाके ढूंढ रहे थे, आगे जा रहे थे कन्याकुमारी की तरफ, उनके घर के पास में जा रहे थे ढूंढ रहे थे प्रसाद देने के लिए जगह, इधर बता दो कि बाहर आ गए, इधर कैसे आ गए, वो बोलते आप इधर कैसे आ गए, हमने गौरव को लेके आ गए, वो बहुत आश्चर्य हो गया उनको, उनको सपना पे ले आया। भक्ति करते ना भगवान हरे के हृदय में है तो भगवान अंदर से हमको साक्षात्कार या प्रेरणा दे देते हैं, तो जो भी है टाइम हो गया तो आप लोग भगवान की भक्ति करिए ऐसा गंभीरता से, हर संडे आप लोग आते हैं और एक आते हैं एक के साथ प्रचार कैसा बढ़ेगा, आप आके जाएंगे तो प्रचार बढ़ेगा क्या, लेकिन आओ एक हफ्ते के अंदर कम से कम एक आदमी को बता देना और आप अच्छा सब आप बताए कि प्रेम से उनके सब जो है ये बहुत ही गलत प्रेम नहीं है, ये सब काम है खुद की इंद्रियों के दूसरे करते, लेकिन भक्त प्रेम से अगर प्रसाद खिलाएंगे हम बस प्रेम से कोई बोलता भी है दो शब्द उससे फिर उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। संसार में उसमें काम भरा हुआ है, हम प्रेम से किसी को भगवान के दो शब्द बोलते हैं उनको समझा देते हैं तो नहीं आता है, एक बार हाथ पकड़ के उनको इधर लेके आएंगे उनको रुचि बढ़ेगी उनका जीवन का कल्याण होने का वहाँ पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रयास करना चाहिए, हाँ हम आते एक ही है हमको अच्छा प्लेट मिल गया और हम और किसी को देने के लिए क्या बोला, हाँ उसमें और आनंद आएगा तो और भक्तों को लेकर आना चाहिए और आगता उनके नाम करे रखे ऐसा प्रचार करना चाहिए। तो अभी दो दिन के बाद भगवान कर रहेगा आप उस साल से इधर बड़ा नगर संकीर्तन होगा ये एरिया में, हम तो सभी आ सकते हैं और इतना साल से यात्रा चल रही है और पूज्य भी बहुत बहुत प्रेमी भक्त है, भक्ति प्रेम से होता है नाम ही और भक्ति चार समझे उनका तो प्रेम इतना पूज्य उनका भक्ति और प्रेम भक्त के प्रति बहुत अच्छा है। तो हम लोग आए इधर तपस्या करे, हाँ इसका मंदिर तो बढ़िया अच्छा व्यवस्था प्रसाद राजभोग इधर हम लोग आके तपस्या कर रहे हैं, कैसे कैसे जगह पे रह रहे हैं, किसके लिए रह रहे हैं, आप लोगों को सानिध्य मिले सत्संग मिले, तो पर दुखी दुखी दूसरे को दुख को देख के भगवान के भक्त दुखी हो जाए ये तो भगवान की भक्ति मिलेगी उनका जीवन का कल्याण होगा, ऐसा ही भाव होता है। तो आप लोग जुड़े रहिए,
भगवान की भक्ति करिए और लोगों के ज्ञान उपदेश दे देंगे तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोपाल की जय। हरे कृष्ण बहुत जबरदस्त आज प्रभु जी यहाँ पर हमको संग लेने के लिए आए भोपाल में। भगवान श्री चैतन्य